पूरे देश में आज ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। इसे बकरीद के नाम से भी जाना जाता है। पीएम मोदी ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को बकरीद की बधाई दी। बकरीद के मौके पर बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिदों में विशेष नमाज पढ़ी। ईद उल अजहा को त्याग और कुर्बानी के तौर पर याद किया जाता है। बताया जाता है कि यह पर्व पैगंबर हजरत इब्राहिम से ही कुर्बानी देने की प्रथा शुरू हुई थी। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद की तस्वीरें हैं ये। सीएम योगी सड़कों पर नमाज नहीं पढ़े जाने और शांति व्यवस्था को लेकर सख्त हिदायत दी गई, जिसे अमल में लाने के लिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त रहा। लेकिन पश्चिम बंगाल में लोगों ने सड़क पर नमाज पढ़ी। इस दौरान यातायात व्यवस्था पूरी तरह से रोक दी गई। दिल्ली समेत देश के सभी जगहों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इस मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स की भी तैनाती की गई थी। लोगों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं की निंदा की और शांति की प्रार्थना की। हम सब मिल करके एक दूसरे के जो त्यौहार है, तीज है, उनको मिलकर के मनाते हैं। इसी को कहा जाता है कि अनेकता में एकता, इसी को कहा जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत।